हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल हेल्थ में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे गाइस जीरो डोल SP टैबलेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस टैबलेट का उपयोग हम क्यों करते हैं और कैसे साइड इफ़ेक्ट होते हैं दोस्तों, तो गाइस ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके दोस्तों। तो गाइज बात करते हैं बिना देरी लगाए हुए जीरो डोल SP टेबलेट के बारे में। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट होता है यानी ये जो टेबलेट होता है IPCA लेबोरेटरी कंपनी द्वारा बनाया जाता है। अब बात करते हैं इसके यूजेज की, क्या इसके उपयोग होते हैं, क्या इसके यूजेज होते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो गाइज सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जीरो डोल जो SP टेबलेट होती है वो किस प्रकार कार्य करती है। जी हाँ दोस्तों, जीरो डोल SP टेबलेट तीन दवाओं का मिश्रण है, एसिक्लोफेनाक, पैरासीटामोल और सेरिटियोपेप्टिज। ठीक है दोस्तों, एसिक्लोफेनाक एक नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और पैरासीटामोल एक एंटी पायरेटिक यानी बुखार कम करने की जो दवा होती है। ये उन विशेष केमिकल मैसेंजरों को मस्तिष्क में निकलने से रोकती है जिनकी वजह से दर्द बुखार होता है। दोस्तों सेरिटियोपेप्टिज एक एंजाइम है जो इन्फ्लेमेशन वाली जगह पर असामान्य प्रोटीन को विघटित करके उसमें सुधार करता है। इस प्रकार तो दोस्तों ये कार्य करती है। अब गाइज बात करते हैं कि इसका उपयोग हम कौन कौन समस्याओं में करते हैं, कौन कौन सी बीमारियों में करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब गाइज बात करते हैं कि जीरो डोल SP टेबलेट के जो लाभ होते हैं, कौन कौन समस्याओं में इसका उपयोग हम करते हैं। तो गाइज ये मस्तिष्क में कुछ ऐसे रसायनों को ब्लॉक करते हैं जिससे दर्द और बुखार उत्पन्न होते हैं। ये रूमेटाइड ऑर्थराइटिस और ऑर्थोआर्थराइटिस जैसी स्थितियों में दर्द को दूर करने में सहायक होते हैं। यहाँ दोस्तों किसी प्रकार के दर्द में इसका उपयोग हम करते हैं गाइज। दर्द निवारक दवाओं के साथ इस दवा में सेरिटियोपेप्टिज नामक एक सक्रिय घटक भी होता है। ये एक एंजाइम है जो ठीक होने की प्रक्रिया तेज करता है और जल्दी सुधार लाता है। इस प्रकार दोस्तों ये उपयोगी होती है यानी किसी प्रकार के दर्द में, सूजन में इसका उपयोग हम करते हैं। हाथ पैरों में दर्द, बदन में दर्द या किसी प्रकार से पीठ में दर्द, तो इन सारी समस्याओं में इस टैबलेट का उपयोग हम करते हैं गाइज। अब बात करते हैं दोस्तों इसके साइड इफेक्ट की। जहाँ दोस्तों इस टैबलेट को लेने से कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे उल्टी होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, थकान होना, शरीर पर छोटे छोटे लालदानी होना, कमजोरी महसूस होना, ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं दोस्तों। अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाकर उनसे मिल सकते हैं गाइज। और ये दवा आपको डॉक्टर की सलाह से लेना है, बिना सलाह से दवाई ना ले, आपको आसानी से हर मेडिकल स्टोर दवा मिल जाएगी। दोस्तों बात करते हैं इस दवा कब लेना है, कैसे लेना है। तो गाइज इस दवा को आप रात को सोते टाइम या सुबह दिन में जब भी आपके बुखार होता है या हाथ पैरों में दर्द होता है तब इस टेबलेट को आप ले सकते हैं। या दोस्तों खाना खाने के बाद में इस टेबलेट को आप ले सकते हैं सुबह या दिन में या रात में, कभी भी आपकी जबकि बुखार होता है तब इस टेबलेट को ले सकते हैं गाइज। तो गाइज आपको हमारी बताई हुई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।